मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा मैया उल्टी दिशा में बहने लगी है, और कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं सूर्य देव पश्चिम दिशा से तो नहीं उदय होने लगे। गांधार नरेश, गंगा पुत्र ने हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा ली थी, और इस समय हस्तिनापुर की सुरक्षा उसके विभाजन में है। और आप तो कुरुपुत्रों के मामाश्री हैं, आपसे अधिक ये कौन समझ सकता है कि साथ रहने में किसकी कितनी हानि। और ये भी समझ सकते हैं कि यदि एक बार अग्नि प्रज्वलित हो उठी तो उसे शांत करना कितना कठिन है, विशेषकर विद्वेष की अग्नि। वासुदेव, मैं तो शांत। शकुनी, शांत। विदुर, तुम्हारी नीति क्या कहती है इस विषय में? जब साथ रहते विकास अवरुद्ध हो तो विभाजन श्रेष्ठ है। महाराज, विदुर ठीक कह रहे हैं, हमारे हाथ केवल विभाजन का संकल्प है, इसलिए राज्य उचित ढंग से और सामान्य भाग में विभाजित होना चाहिए। ये विभाजन यहीं समाप्त कर दूंगा, अभी अपने गदा के एक ही प्रहार से इन पांडवों का सिर और सब दोनों चूर चूर कर दूंगा अभी। देखिए, शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट, शांत हो जाओ। देखो, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार नहीं उठाई जाती। पांडवों को ऐसा विकल्प दूंगा विभाजन का कि वो उसे अस्वीकार कर देंगे, समझ गए? उसके बाद सारा खेल हमारे मुट्ठी में। परंतु विभाजन, परंतु नहीं, ये समय कृष्ण के और मेरे मध्य बुद्धि युद्ध का है, इसीलिए मुझे ही आगे रहने दो। ठीक है मामा श्री। हाँ तो ठीक है, यदि दोनों पक्ष विभाजन के लिए प्रस्तुत हैं तो यही सही। परंतु दाता और याचक, इन दोनों के मध्य एक नियम होता है, जो दे रहा है वो ही चयन करे। तो इसके नाते विभाजन में पांडवों को कौन सी भूमि मिलेगी, इसका विकल्प देने का अधिकार केवल दुर्योधन का है। तो कहिए गांधार राज, क्या सुझाव है आपके पास? यदि पांडव विभाजन चाहते हैं तो हम उन्हें पांडव प्रस्त देते हैं। और यदि पांडवों को खांडव प्रस्त स्वीकार नहीं तो हमें भी विभाजन स्वीकार नहीं। हाँ, तो पांडव यहीं रहे अपने भाइयों के साथ प्रसन्नता से। प्रेम से और सेवा से। यह अन्याय है गांधार राज। मित्र,
तुम देख लो कैसी अनुचित बात कर रही है। खांडव प्रस्थ उस भूमि पर कांटे तक नहीं उगते, बंजर भूमि है वो, अंग से भी अधिक बंजर, जैसे अभिशापित हो। महाराज, यदि विभाजन नीति अनुसार करना है, पांडवों को वो भूमि देना नीति का अपमान है। तुम दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु, सदैव उसका अहित बोलते हो। मैं वही करता हूं जो मेरे मित्र के हित में हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके एक और कुचक्र में फंसकर मेरा मित्र स्वयं को सदा के लिए इतिहास में अन्यायी सिद्ध करते। हमें खांडव प्रस्थ नहीं चाहिए, भले ही युद्ध हो जाए। युद्ध से कौन भयभीत है विरकोधर? दान में मिले बछड़े के दांत नहीं गिने जाते। क्षत्रिय दान नहीं लेता, युद्ध करके अपना अधिकार प्राप्त करता है। अर्जुन, तुम्हारे बाणों का उत्तर भी है मेरे पास। यदि कुछ चाहिए तो केवल खांडवप्रस्थ ही मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं मित्र? इस अन्याय का भाग मत बनो। अन्याय? अपना अधिकार पाने में कोई अन्याय नहीं है मित्र। राजा, राजा मेरे पिता हैं, इसीलिए हस्तिनापुर पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है। इस राज्यसभा में अब या तो उन्हें वो मिलेगा तो मैं चाहता हूं, अन्यथा वो जिसकी जिसकी तुम्हें आकांक्षा है वो युद्ध है, युद्ध। इसलिए मामा श्री जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। परंतु यदि पांडवों ने खांडव प्रस्थ स्वीकार कर लिया तो क्या करोगे? नहीं करेंगे, देखते जाओ। यदि खांडवप्रस्थ देकर मेरे अनुज दुर्योधन को संतोष मिलता है तो हमें खांडवप्रस्थ स्वीकार है। हम पांच भाई जहां भी एक साथ हो, वो स्थान भले ही बंजर हो, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं।